हाय फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम यूट्यूब या फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एनवीडिया ग्राफिक कार्ड की ज़रिए से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो इसमें मैंने लिखा है हाउ टू प्ले एनी, यहाँ पे हाउ टू प्ले एनी गेम लाइव ऑन फेसबुक और यूट्यूब वाया एनवीडिया जी फोर्स। तो इसमें मैं आपको सारी सेटिंग दिखाऊंगा ए टू जेड, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है एनवीडिया का। तो ये लाइव जो चला सकते हैं वही लोग कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आपने ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, अगर नहीं किया है तो मेरे पास ये मेरा चैनल है और इसमें मैंने इंस्टॉल करना दिखाया है इसमें कि डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, और पूरी इसके अंदर सेटिंग दिखाई है एनवीडिया ग्राफिक कार्ड की। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम गेम की सेटिंग करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, ये जी फोर्स एक्सपीरियंस। तो इसको मैं ओपन करता हूं और इसके अंदर आपको पूरी सेटिंग दिखाऊंगा किस तरह से हमें गेम लाइव चलाने के लिए सेटिंग करना पड़ती है। इसके अंदर ए टू जेड है। तो देखिए, सबसे पहले ये मैंने कर लिया है, ग्राफिक कार्ड मेरा डाउनलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जो होता है वो यहाँ पर डाउनलोड वगैरह अपडेट करते हैं, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ कि अपडेट है ये। तो ये अपडेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये गेयर बना हुआ है, यहाँ है सेटिंग, और ये यहाँ पे लॉगिन हो गया है जो मेरा एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है, ये मैंने अपनी जीमेल से तो ये लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के पास आप ये देखेंगे यहाँ सेटिंग, तो हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो ये सारी सेटिंग है इसके अंदर। तो यहाँ जाके आपको ये जो लिखा है इन गेम ओवर लॉग इन अंदर, तो इसको आप ओपन कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अगर ओपन नहीं करते हम तो हमारा गेम की सेटिंग हम नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये ओपन हो रहा है यहाँ पर, तो ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे भी ये ऑन हो गया। यहाँ आपने देखा होगा ये ग्रे कलर में आ रहा था जैसे ये नोटिफिकेशन का आ रहा है, तो ये ग्रीन हो जाएगा जैसे ये आप ऑन करेंगे। अब यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे आप देखेंगे ये फीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप ओपन करके इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने ग्राफिक कार्ड के गेम के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कितना क्या होना चाहिए। ये ओवरलॉग है कि गेम के चलाने के लिए किस तरह से करना चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए अब मैं जाता हूँ यहाँ सेटिंग के ऊपर। तो ये मैंने सेटिंग यहाँ पे ओपन करी है, देखिए तो ये कनेक्शन का है, यहाँ कनेक्शन किस तरह से हम करेंगे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप कीबोर्ड गेम की जो सेटिंग गेम की होती है, शॉर्टकट वगैरह की जो होती है, वो किस तरह से कैप्चर करेंगे, गेम फिल्टर करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये Alt प्लस F10 से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसे F9 से, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ये जो लाइव हम चलाते हैं ब्रॉडकास्टिंग करेंगे वो Alt F8 से करेंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें बाद में। तो ये आ रही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फिर हम बैक जाएंगे, यहाँ बैक जाने के बाद हमें यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन पे हम जैसे आएंगे तो इसमें लिखा है फेसबुक वगैरह ये सब हैं, जीमेल और YouTube वगैरह, YouTube पे गेम चलाना है तो ये Facebook, यहाँ पे ये कनेक्शन है, यहाँ से हमें लॉगिन करना होगा। तो अगर आप Facebook मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अगर YouTube पे चलाना है YouTube सेलेक्ट कर लें, और ये Twitch है, यहाँ Twitch पे आप कर सकते हैं लाइव इन सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैं Facebook पे आपको दिखाऊंगा आज तो किस तरह से लाइव चलाते हैं। तो ये सेलेक्ट करेंगे Facebook और यहाँ जाएंगे हम लॉगिन। तो ये लॉगिन के लिए आप जैसे ही करेंगे तो आपका जो फेसबुक है वो यहाँ नीचे तो ओपन हो चुका होगा जो आपका होता है मेन, लेकिन हमें यहाँ से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एनवीडिया से। तो ये हम यहाँ जाके अपना फेसबुक को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का ईमेल एड्रेस देना होगा, और यहाँ फेसबुक को जिससे आप कनेक्ट करते हैं वो पासवर्ड देंगे, और उसके बाद उसको करके लॉगिन कर देंगे। तो फिर मैं आगे नेक्स्ट दिखाता हूँ आपके मोबाइल के अंदर, ये जो है लॉगिन करने के लिए मोबाइल में ईमेल में अगर आपने सिक्योरिटी लगाई होगी 2FA जो होती है, तो वो कोड आएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल दे दूँ, तो यहाँ जाके मैं इसको चेक कर लिया है और यहाँ जाके इसको लॉगिन करूँगा।
तो ये लॉगिन हो रहा है अभी, और देखिए फिर उसके बाद ये 2FA आ जाएगा, तो मैंने लगा रखा है, अगर आपने नहीं लगाया होगा तो वो आपके मोबाइल के अंदर मैसेज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोड देने से पहले ही आना लिखना, यहाँ पे ही लिखा है डिडंट रिसीव अ कोड, तो यहाँ पे आप करिएगा, ये फेसबुक पे ज़रूरी होता है। और उसके बाद जब ये आपको शो करे तो आप यहाँ जाके इसको क्लोज़ कर दें और अपने मोबाइल में जाके और कोड देखें, वो मैसेज में आया होगा। तो ये मैंने दोबारा से यहाँ पे कोड दिया है, तो अब ये देखिए इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा आपका जो भी फेसबुक होगा उसके ऊपर। और यहाँ जाके आप कर सकते हैं इसको सेव ब्राउज या डोंट सेव, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं करता हूँ कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू मैंने कर दिया है और ये लॉगिन हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो ये लिखा है कनेक्टेड ऑन December 24th और ये 2022, और टाइम भी आ जाएगा और ये नाम और यूज़र आ जाएगा आपका। तो आप इस पे जाएंगे बैक और यहाँ हो गया ये डन कनेक्शन, तो इसको क्लोज़ करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसको आप क्लोज़ कर देंगे, अब आपको यहाँ जाके कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, अब आपका जो फेसबुक पेज है उसको ओपन करना है। तो ये जो पेज है ये मैंने अपने गेम खेलने के लिए बनाया, मेरा मेन पेज जो है वो दूसरे नाम से है, और ये जो मैंने बनाया है ये पेज बनाया है गेम खेलने के लिए। तो आप भी पेज बना सकते हैं अगर नहीं बनाया है तो। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा गेमिंग पेज है, मैं आपको दिखा दूँ। तो आपने जो जी फोर्स का जो सॉफ्टवेयर था वो क्लोज़ कर दिया और उसकी कनेक्ट कर दिया है फेसबुक से। अब हमें क्या करना होगा यहाँ जाके, तो अब मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए ये शॉर्टकट की है यहाँ पे, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एनवीडिया जो सॉफ्टवेयर से आप जब फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको स्टार्ट करने के लिए अपना जो कीबोर्ड है उस पर प्रेस करना पड़ेगी Alt+F8, और आपको जब गेम स्टॉप करना होगा तो आपको सेम की प्रेस करना पड़ेगी स्टॉप करने के लिए। तो ये भी Alt+F8 है, और यहाँ पे अगर आपको मैंने ये बता दिया है लाइव के लिए, अगर आप इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आप एडिटिंग करना चाहते हैं आपकी जो भी वीडियो वगैरह है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड। तो लेकिन इसका जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है वो फुल स्क्रीन होता है, मैं बता दूँ। उसके स्टार्ट करने के लिए क्या है, जब आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Alt+F9 तो आपका ये जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के लिए आपको ये सेम की प्रेस करना होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ, मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग का बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको रिकॉर्डिंग का दिखाता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग मैं फेसबुक पे दिखाऊंगा आपको, तो ये दिखाता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड पे Alt+F9 आप प्रेस करेंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पे ऊपर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। तो ये अब मेरी जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ तो मुझे सेम की प्रेस करना होगी Alt+F9, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्डिंग हैज़ बीन सेव्ड और स्टॉप, तो ये स्टॉप हो गई है यहाँ रिकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रीमिंग का, जो लाइव हम स्ट्रीम करते हैं गेम वगैरह खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपका जैसे आपको ये मैं गेम खेलता हूँ तो इसको सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। आपका गेम जब स्टार्ट हो जाए, कोई भी आप गेम खेलें आपका वो गेम स्टार्ट हो जाए, इसको स्टार्ट करने के बाद आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेस करना है Alt+F8 लाइव के लिए, जो फेसबुक पे लाइव चलता है। तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा, और ये फेसबुक है यहाँ पे, और यहाँ लिखा है गो लाइव, और यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ये ट्विच पे कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी लाइव कर सकते हैं, तो मैं आपको फेसबुक की बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका फेसबुक का जो पेज होगा वो आएगा, जो मेन पेज होगा, जो आपका मेन पेज है जिससे आपने गेमिंग के लिए पेज बनाया है, तो वो यहाँ पे आएगा मेन पेज। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आप गेम खेल रहे होंगे, अब जैसे मैं गेम नहीं खेला तो मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव तो मैं लाइव कर दूंगा यहाँ। अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ जैसे CS:GO, मैं ये गेम खेल रहा हूँ, तो उसका नाम टाइटल में दे दूंगा, तो
तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे तो मैं लाइव है तो लाइव कर देता हूँ, और आपको ये बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन का। अगर ये आपने माई टाइम लाइन कर दिया तो ये जो आपका फेसबुक का जो मेन पेज है उस पर चला जाएगा, जिसमें आपके फ्रेंड और सब लोग रिलेटिव वगैरह ऐड होते हैं उसके अंदर चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आते हैं ऑन पेज, तो ये उस पर जाएगा जो आपने गेम के लिए पेज बनाया है ये फेसबुक के ऊपर, वो उस पर जाएगी लाइव। और अगर आपका आपने ग्रुप है आपका गेमिंग का कोई ग्रुप वगैरह, आप ग्रुप सेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे गेम ग्रुप आ जाएंगे, जिस ग्रुप पे आपको जो भी आपका गेम का ग्रुप हो, जैसे ये सी एस गो इंडिया कम्युनिटी है, यहाँ पे सी एस गो बाय एंड सेल ट्रेड, तो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जब आपकी ये लाइव यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप, तो ये उस पे चली जाएगी। अगर आपको ये सिर्फ अपने पेज के ऊपर करना है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपके जितने पेज होंगे, तो मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेज हैं, लेकिन मेरा जो गेम का पेज है वो ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जो मेरा गेम वाला पेज है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये मेरे इस पेज पे जाएगा। ये मेरे मेन फेसबुक पे नहीं जाएगा, जो मैंने गेम के लिए बनाया है उसके ऊपर जाएगा, वो नाम ये है sis power 991। और यहाँ जाके आप इसको लाइव जैसे ही करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो आप जाके यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, इसको आप क्लोज कर दें, जो एक्स बना हुआ है, तो ये आपकी जो लाइव है वो फेसबुक के ऊपर जा रही है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको शो नहीं करेगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इस पेज को अपने मोबाइल पे ओपन करके देखिए, तो आपका यहाँ पे गेम चल रहा होगा, वो गेम यहाँ पे शो करेगा। तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता। अब मैं क्या करता हूँ, उस जो ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आप गेम खेल रहे हैं उसको स्टॉप करना है, तो आपको क्या करना होगा, स्टॉप के लिए आपको Alt+F8 प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया है, ब्रॉडकास्टिंग टू फेसबुक हैज़ स्टॉप्ड, तो ये स्टॉप हो गई है। अब आपका जितना गेम था वो आप इस पेज को जब रिफ्रेश करूँगा मैं, क्योंकि ये PC पे है, तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा, वो जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे आ चुकी होगी। तो ये देखिए ये लाइव यहाँ पे आ चुकी है, ये लिखा हुआ है पब्लिश बाय NVIDIA। तो इस तरह से आपको ये 100% आपकी लाइव जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, और ये इस तरह से, तो ये पूरा आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है अपनी लाइव चला सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा ये। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे भी कर दिया, आने वाली वीडियो आप तक आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।